सर, बीडी कॉन्वेंट स्कूल के फर्स्ट एनुअल फंक्शन में आए हुए हमारे गार्जियन के साथ बच्चे और इसके साथ साथ यहाँ पर जो भी वरिष्ठ जन आए हुए हैं, हमारे युवा साथी, हम सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज इस प्रथम वार्षिक उत्सव में मैं सभी लोगों को बधाई भी देता हूँ। और एक बार हमारे साथ बोलिएगा, भारत माता की। बहुत जबरदस्त आवाज। आज इस मंच से कहीं ना कहीं विगत एक सालों का जो भी प्रयास रहा है इस संस्था को आगे बढ़ाने में, या फिर इस संस्था में पढ़ने वाले बच्चों को अवेयरनेस के तौर पर आगे बढ़ाने में, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जिस प्रकार के परफॉर्मेंस इस स्टेज पर छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों के द्वारा किया जा रहा है, इससे इस चीज़ का जरूर आकलन किया जा सकता है। शिक्षा व्यक्ति या फिर परिवार या फिर समाज के विकास की पहली सीढ़ी होती है। और जिस प्रकार के परफॉर्मेंस यहाँ पर किए जा रहे हैं, जिस प्रकार की कैचिंग पावर है बच्चों में, ये कहीं ना कहीं उस परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिस परिवार से बच्चे आए हैं। क्योंकि कहा जाता है कि उसके मानसिक ग्रोथ का पहला स्टेज उसका परिवार होता है, उनके माँ बाप होते हैं। और जिस प्रकार से बच्चे के परफॉर्मेंस को देखने के बाद उनकी जो कैचिंग कैपेबिलिटी है, उस पर कोई भी प्रश्न खड़ा नहीं किया जा सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से ये संस्था बच्चों को लेकर के आगे बढ़ रही है, आने वाले समय में इसी संस्था से कोई बच्चा IAS भी बनेगा, कोई PCS भी बनेगा, कोई डॉक्टर भी बनेगा, कोई मास्टर भी बनेगा। लेकिन एक बात तो तय है, क्योंकि मैं ये बात बोलने से कभी कतराता भी नहीं, हम जब छोटे थे मेरी बड़ी इच्छा थी इंग्लिश मीडियम से पढ़ने की। मेरी पढ़ाई गांव के प्राइमरी विद्यालय में हुई, जहां पर शुद्ध रूप से हिंदी पढ़ाया जाता था। लेकिन जब कभी कॉन्वेंट विद्यालय की बात आती थी तो मैं सोचता था कि काश मुझे भी अवसर मिलता और मैं भी कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ता और अंग्रेजी मीडियम से पढ़ता, इंग्लिश मीडियम से। अभी जैसे ही मैं आया तो एक परफॉर्मेंस हो रहा था। मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं अपनी पढ़ाई लिखाई गाँव में लगभग क्लास 5 तक पढ़ने के बाद जब मैं चिल्ड्रेन कॉलेज आजमगढ़ गया, तो वहाँ जाने के बाद जो माहौल हमको मिला, जैसे ही मैं आया कुछ बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे थे। मैं अपने चिल्ड्रेन कॉलेज आजमगढ़ में उसी गाने पर मैं खुद परफॉर्मेंस किया करता था। और हमारे कॉलेज में लगभग 12,500 बच्चे थे और मैं अच्छा भाषण भी दे लेता था, अच्छा डांस भी करता था। लेकिन कॉलेज टाइम का एक समय था, अभी मैं बैठा था तो हमारे पीछे एक भैया बैठे थे, वो हमसे कह रहे थे कि यहाँ आने के बाद और बच्चों को देखने के बाद अपने बचपन के दिन याद आ गए। हम लोग भी जब भी कोई परफॉर्मेंस करना होता था तो अपने टीचर के नेतृत्व में हम लोग बकायदे उसको प्रिपरेशन करते थे, ऑडिटोरियम में जा करके खुद से शीशे के सामने सब कुछ परफॉर्मेंस करके, क्योंकि नेक्स्ट डे या फिर आने वाले समय में जब परफॉर्मेंस का सवाल आता था तो एक कॉन्फिडेंस और विल पावर भी होता था। आज इस बच्चों का परफॉर्मेंस देख करके इनके कॉन्फिडेंस लेवल और इनका जो विल पावर है, कहीं ना कहीं यहाँ के टीचरों को मैं धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के प्रिंसिपल को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और यहाँ के मैनेजमेंट को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपने एक साल इन बच्चों को लेकर के आपने आगे बढ़ने का काम किया है। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से, NDA परिवार की तरफ से और नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से, मैं ढेर सारा आशीर्वाद और सहयोग की उम्मीद भी करता हूं। आने वाले समयों में, जैसा कि अभी हमारे संचालक साहब ने बताया कि मैं यहां से चुनाव लड़ रहा हूं और मैंने पढ़ाई लिखाई नीचे से करके यहां तक मैं पहुंचा हुआ हूं। मैंने एक बात छोड़ दिया था बोलने के लिए, जब भी किसी के एम पूछे जाते हैं बच्चों से, जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होते हैं, तो उस बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए जब उससे गार्जियन के सामने उनके टीचर पूछते हैं कि आपका बच्चा, आपका एम्स क्या है, तो कोई भी बच्चा ये नहीं कहता है कि मुझे लीडर बनना है। बच्चा कहता है मुझे टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे IAS बनना है, मुझे IPS बनना है। कोई भी बच्चा ये नहीं कहता है कि मुझे लीडर बनना है।
जब मैं अपने 12,500 के स्ट्रेंथ में मैं खड़ा होता था और जब हमारे प्रिंसिपल हमसे पूछते थे कि तुम्हारा क्या एम है, तो मैं हमेशा मुस्कुरा के कहता था कि मुझे तो नेता बनना है और नेता बनने के लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। और आपके आशीर्वाद से यहाँ तमाम गार्जियन हमारे घोसी लोकसभा क्षेत्र के उपस्थित हैं, आप सबके आशीर्वाद से मैंने पढ़ाई भी भरपूर की और मैं उम्मीद भी करूँगा क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आने वाले समयों में अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखने का जरूर प्रयास करिएगा, क्योंकि नाम के आगे डॉक्टर लिखने का जो मजा है और जो सम्मान प्राप्त होता है वो सम्मान बहुत सारे एजुकेशन बहुत सारे सर्टिफिकेट रखने के बाद भी नहीं प्राप्त हो पाता है। और आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से सबकी कृपा से और हमारे पिताजी के आशीर्वाद उनके सहयोग से हमने पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई में एमफिल भी किया, नेट क्वालिफाई किया, जेआरएफ क्वालिफाई किया और उसके बाद डबल पीएचडी करके मैं राजनीति के मैदान में उतरा हुआ हूं और चुनाव यहां से लड़ रहा हूं आने वाले समयों में। क्योंकि जब मैं इस बात को बोलता हूं तो बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि जब आप इतने वेल एजुकेटेड हैं तो फिर आप क्यों नहीं नौकरी कर ले। हमने कहा कि जब इस भारत देश में उन नौकरी करने वाले लोगों की समस्याएं आएंगी, जब किसी विद्यालय की समस्या आएगी, जब किसी भी सामाजिक न्याय की समस्या आएगी, तो कोई ना कोई खड़ा होगा तो उसके लिए भी एक लीडर की आवश्यकता है। और लीडर ऐसा होना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, होनहार हो और हर बात को समझता हो, किस प्रकार से समस्याओं का समाधान होता हो वो खुद पे खुद जानने का प्रयास भी कर लेता है। तो मैं राजनीति में पढ़ लिख करके आया हुआ हूँ क्योंकि मुझे याद है बहुत पहले लोग कहा करते थे, जब भी किसी युवा से कह दिया जाता है कि आपको राजनीति में आना है, क्योंकि ये एक्सीडेंट मेरे साथ भी हुआ है, हमसे जब कभी कोई पूछता था मैं नेता कौन बनता है भाई, नेता बनने के लिए कुर्ता पैंट खाली पहन लेना आपके यही तो बदलना है हमको। राजनीति में जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तब तक देश का कल्याण नहीं होगा और देश कहीं न कहीं 64% आबादी युवाओं की है और अगर युवा हमारे आकर के हर व्यवस्था को चिड़िया नहीं हो पाएगी, हम सिर्फ और सिर्फ इसमें आके बच जाएंगे कि 15 अगस्त जब आएगा तो हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और 26 जनवरी आएगा तो गणतंत्र दिवस मनाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सब कुछ को बदलने के लिए जब भी हमारे बच्चे हैं सब कुछ को बदलने के लिए हर एजुकेशन के साथ साथ हर स्तर पर जाने के साथ साथ राजनीति में भी आने की आवश्यकता है, क्योंकि राजनीति ही हर चीज को सही भी करती है और राजनीति ही हर चीज को गड़बड़ भी करती है। तो जब पढ़े लिखे लोग आएंगे तो स्वाभाविक तौर पर है अच्छे सोच के साथ अच्छे जोश के साथ आगे बढ़ेंगे, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं बच्चों के इस प्रोग्राम में छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों के प्रोग्राम में बाधक न बनते हुए बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद देते हुए और गार्जियन से आशीर्वाद की कामना करते हुए सभी यहाँ के प्रिंसिपल और यहाँ के टीचर्स को मैं ढेर सारी बधाई इस फर्स्ट एनुअल फंक्शन में ढेर सारी बधाई देता हूँ। अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।